सबसे पहले सर आप अपनी उम्र बताइए और उसके बाद बताइए कि क्या उम्र की वजह से घर से ये दबाव था कि वैक्सीन अभी ना लगवाएं, पहले देख लें कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, सुन ले एक्सपीरियंस दूसरों का। नहीं मैम, मेरे पास ने तो घर से कोई दबाव था नहीं, वैक्सीन लगवाने से मुझे कोई डर भी नहीं था। इससे पहले मैं अपनी बात को शुरू करूँ, उससे पहले जो बीता समय है उसको थोड़ा सा मैं जी कहना चाहूँगा कि जब कहा जाता है कि बच्चे भूत आ जाएगा और एक दिन जनवरी से स्टार्ट हो के मार्च तक हमारे देश में कोरोना नाम का भूत आ गया, सभी लोग विचलित थे, सभी को डर लग रहा था। उस दरमियान जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्होंने जो डट के मुकाबला किया और पूरे देश की जनता की जो रक्षा की, सबसे पहले मैं आप सर समय की कमी है इसलिए मैं चाहूंगी जरा संक्षेप में आप बताएं अपनी उम्र बताएं और ये भी बताएं कि कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी थी क्या वैक्सीन लगाने से पहले, डॉक्टर्स ने पूछा ये। सबसे पहले मैं उन सब योद्धाओं को जो है इस टीवी 9 चैनल से नमन करता हूँ। और इसके बाद जब वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था मुझे सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ तो मैंने मेरे मित्र जो एम्स में है कनिष्क यादव जी उनसे संपर्क किया और मैंने आके जो है अपने ऊपर जो है इसका ट्रायल वैक्सीन लगवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरीके की कोई नहीं, मुझे कोई ऐसा रॉन्ग सिम्टम नहीं आया, नहीं किसी तरह की कोई परेशानी हुई। दूसरी बात है कि मुझे हर 8 घंटे बाद एम्स से कॉल आती है और मुझे तो किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है सर। बिल्कुल, और यही देखिए अंजलि योद्धाओं के जरिए उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, आप भी भरोसा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यही बात जो है ये आप तक पहुंचाना था क्योंकि बहुत सारे अफवाहबाज इस देश में हैं जिन्होंने तरह तरह की आशंकाएं लोगों के मन में पैदा कर दी, उनको दूर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने ये कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश थी हमारी कि उन 11 लोगों को यहां पर बुलाया जाए जो कि फर्स्ट, सेकंड और यहां तक कि थर्ड फेज के ट्रायल में खुद शामिल हुए हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए और जो सरकार कह रही है, हमारे संस्थान कह रहे हैं, उस पर भरोसा आप आंख बंद करके कर सकते हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।